ऑस्ट्रेलिया के गेंद छेड़छाड़ कांड, टियर स्टीव स्मिथ निर्णय की त्रुटि मानते हैं। प्रशंसकों के लिए माफी मांगी। स्मिथ ने कहा, मुझे पता है कि मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इस पर पछतावा दूंगा। मुझे पूरी तरह से तबाह हो रहा है। क्रिकेट मेरा जीवन है और मुझे उम्मीद है कि यह फिर से हो सकता है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कप्तान स्टीव स्मिथ ने गुरुवार को आंसू जताते हुए कहा था कि उन्होंने गेंद को छेड़छाड़ करने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, जिसने खेल को हिला कर दिया है, और कहा है कि उनकी बड़ी गलती ने उन्हें तबाह कर दिया था। उन्होंने कहा, मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मैंने निर्णय की गंभीर गलती की है और मैं इसके परिणामों को समझता हूँ। यह नेतृत्व की विफलता थी। उन्होंने कहा कि उनके आगमन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में टूटने से पहले जोहान्सबर्ग से सिडनी में, मैं अपनी गलती को पूरा करने के लिए सब कुछ करूंगा। मुझे पता है कि मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इस पर पछतावा दूंगा। मुझे पूरी तरह से तबाह हो रहा है। क्रिकेट मेरा जीवन है और मुझे उम्मीद है कि यह फिर से हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले सप्ताह के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान स्मिथ और डेविड वॉर्नर को कप्तान और उप कप्तान के रूप में अपनी भूमिका से छीन लिया गया था और एक साल से सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से उनके व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उद्घाटन बल्लेबाज कैमरन बैंक्रॉफ्ट 9 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। वॉर्नर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा आरोप लगाया गया था कि वह अपने गेंदबाजों के लाभ के लिए गेंद को बदलने के लिए रेत पट्टी का इस्तेमाल करने और बैंकनफॉफ्ट को इसे चलाने के लिए निर्देशित करने की योजना विकसित कर रहा है। स्मिथ, जो टूटने से पहले कुछ सवाल उठाए, ने प्रभावी रूप से साजिश के लिए एक अंधे आंख बदल दिया। स्मिथ ने कहा, मेरे लिए मेरी कमजोरी, मैंने ऐसा करने की अनुमति देने के लिए एक बड़ी गलती की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केप टाउन घटना पहली ऐसी अपराध है और जोर देकर कहा कि यह दोहराया नहीं जाएगा। मेरे ज्ञान से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, यह पहली बार है और यह फिर कभी नहीं होगा। जब उन्हें पूछा गया कि क्या वह डेविड वॉर्नर को दोषी ठहराते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं किसी पर दोष नहीं लगाता हूँ, मेन कप्तान हूँ। यह मेरी घड़ी पर है और मैं केप टाउन में क्या हुआ उसके लिए जिम्मेदारी लेता हूँ। स्मिथ एक सुनहरा लड़का है जिसकी तुलनात्मक बल्लेबाजी के लिए ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डोनाल्ड ब्रेडमैन की तुलना में किया गया है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए लाया गया दर्द प्रशंसकों और जनता के लिए खेद व्यक्त करना चाहता हूँ। विपुल दाएं हाथ वाला ने कहा कि यह घटना दूसरों के लिए एक सबक के रूप में काम करेगी और आशा व्यक्त की कि वह परिवर्तन के लिए बल हो सकता है। अगर किसी भी अच्छे से आना है तो यह दूसरों के लिए एक सबक हो सकता है और मुझे आशा है कि मैं परिवर्तन के लिए एक बल हो सकता हूँ। 28 वर्षीय ने अपने माता पिता और प्रशंसकों के लिए दर्द के लिए माफी मांगी। मैं दो चीजों या तीन चीजों को कहता हूँ, उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं गहराई से माफी चाहता हूँ। मुझे क्रिकेट के खेल से प्यार है। मैं युवा बच्चों को मनोरंजक करता हूँ। मुझे ऐसे बच्चों से प्यार है जो मुझे क्रिकेट के महान खेल खेलना चाहते हैं, जो मुझे पसंद हैं। दो, अन्य बात यह है कि किसी भी समय आपको कोई संदेहास्पद फैसले करने के बारे में सोचना है तो सोचे कि आप कौन प्रभावित कर रहे हैं। आप अपने माता पिता को प्रभावित कर रहे हैं। जिस तरह से मेरा बूढ़ा आदमी रहा है उसे देखने के लिए यह दर्द होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं दर्द के लिए माफी चाहता हूँ जिसे मैं ऑस्ट्रेलिया में लाया हूँ और प्रशंसकों और जनता। यह विनाशकारी है और मुझे वाकई माफी है। मैं आशा करता हूँ कि समय के साथ मैं सम्मान और माफी वापस कमा सकता हूँ।
मुझे इतना विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है और मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का कप्तान सम्मानित किया गया है। क्रिकेट दुनिया में सबसे बड़ी गेम है, यह मेरा जीवन रहा है और मुझे आशा है कि यह फिर से हो सकता है। मुझे खेद है और मैं पूरी तरह से तबाह हूँ। वॉर्नर ने भी गुरुवार को अपनी चुप्पी तोड़ दी। धोखाधड़ी के तूफान में उसकी भूमिका को स्वीकार कर लिया और स्वीकार किया। बैंक्रॉफ्ट ने पैथ पर लौटने पर माफी मांगते हुए कहा कि वह खुद से शर्मिंदा था।